जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी सीरीज में। तो फ्रेंड्स, दो दिन काफी डिप्रेशन के बाद वो मेरे चेहरे से आपको दिख रहा होगा, आज फिर से हिम्मत करके एक हंसाने वाली टेबलेट लेकर उपस्थित हूँ। और इस टेबलेट की पूरी गारंटी है कि आप अगर नहीं हंसे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप जानना चाहेंगे उस नाखुशी का कारण क्या था। एक के बाद एक लगातार चार मेरे सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब किए, तो मेरे लिए एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के लिए एक बहुत थोड़ी शॉकिंग मैटर थी, मैं सोच नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं जो ये सब काम करता हूँ ये मैं अपना कर्तव्य कर्म समझ के करता हूँ। इसमें इसे मेरे को कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई देख सब्सक्राइब, बस दुलार प्यार मिलता रहना चाहिए। तो आइए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये भी पहले की बांधती एक शॉर्ट इंग्लिश फनी स्टोरी है जो कि पूरी ग्रांटेड है कि आपको एक बार जरूर हंसाएगी और खुल के हंसेंगे। ये स्टोरी है, इसका टाइटल है द लव टेस्ट, यानी कि प्यार की जांच, जो कि इस प्रकार है। वन डे टू कलीग्स हेनरी एंड पीटर वर हैविंग देयर लंच। एक दिन दो सहपाठी होते हैं, यानी कि दो सहकर्मी होते हैं जो एक साथ काम करने वाले होते हैं, हेनरी और पीटर, जिनका नाम हेनरी और पीटर होता है, वो आर हैविंग देयर लंच, वो एक साथ खाना खा रहे होते हैं। जस्ट देन हेनरी स्टार्टेड हैविंग हिकॉप्स। तभी जो है हेनरी बहुत जोर जोर से हिचकी भरने लग जाता है, उसे हिचकी आने लग जाती है। व्हेन पीटर आस्क्ड हिम द रीजन, जब पीटर उनसे उसके कारण पूछता है कि क्यों भैया अभी क्यों अचानक से इतना हिचकी आपको आने लगी, ही रिप्लाइड दैट इट वॉज ड्यू टू हिज वाइफ्स लॉ। वो उत्तर देता है, यानी वो बताता है कि ये सब मेरे पत्नी का प्यार है जो कि अभी निकल रहा है, वो मेरे को When his wife missed him a lot, बताते हैं कि जब उनकी पत्नी उन्हें बहुत ज्यादा याद करती है, और he had loud hiccups, तब उन्हें होने लगती है, मतलब बहुत जोर जोर से हिचकी आने लगती है। पीटर थॉट हाउ लकी हेनरी वॉज टू हैव सच अ लविंग वाइफ। पीटर सोचता है कि ये तो हेनरी कितना लकी आदमी है जिसको ऐसी पत्नी मिली हुई है, मतलब इतना इतनी इतना प्यार करने वाली, इतनी मतलब कि केयर करने वाली पत्नी मिली हुई है। वो बहुत चिंतित हो जाता है। ही हरिड बैक टू हिज हाउस एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग हिज वाइफ फॉर नॉट मिसिंग हिम। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है और जाकर के अपनी बीवी को डांटने लग जाता है कि तुम मेरे को याद नहीं करती हो, तुम मेरे से प्रेम नहीं करती हो, वो देखो हेनरी जो है उसकी बीवी उससे कितना प्यार करती है, ऐसे जाकर के उसको डांटने लग जाता है। और हिज वाइफ अंडरस्टूड वेयर द प्रॉब्लम वाज। पीटर की जो बीवी है वो सब समझ जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो हेनरी तो इनको मजाक में बोल दिया होता है कि ये सब जो है मेरे पत्नी का प्यार है, जब वो याद करती है तो मेरे को हंसी आता है, लेकिन पीटर की पत्नी जो है वो भी होशियार होती है, वो समझ जाती है कि इसका मैटर क्या है। और फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी मिक्स्ड अ लॉट ऑफ चिली पाउडर इन द लंच। पीटर की बीवी क्या करती है, वो लंच जो बनाती है उसमें खूब दबा जो है लाल मिर्ची का पाउडर मिला देती है। When Peter sat down to eat, जब पीटर जो है वो खाना खाने बैठते हैं, मतलब
कॉलेज के बाद रोज साथ में ग्यारह बैठते हैं, तो जब बैठते हैं वो खाना खाने यानी लंच करने, ही हैड हिकॉप्स, इन्हें बहुत जोर जोर से हिचकी शुरू होती है, क्योंकि मिर्ची ऐसे भी गर्म होती है और उसे खाने के बाद काफी पानी की जरूरत होती है, तो हिचकी आना स्वाभाविक होता है। ही थॉट ओ डियर, वो सोचता है ओ डियर डोंट मिस मी सो मच। फिर वो बोलता है, वो हेनरी को सुनाता है कि ओ प्यारी, ओ मेरी प्रिय, तुम इतना मेरे को मत याद करो। हेनरी लाफ्ड सीइंग पीटर्स कंडीशन, फिर हेनरी बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है पीटर की कंडीशन को देख करके। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को काफी पसंद आएगी, जब इसे आप अच्छे से समझेंगे तो एक विशेष गुदगुदी होगी और ये गुदगुदी मेरे इस प्रवेश का उद्देश्य है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, सी विद नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।